प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास अभियान प्रारंभ किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपकी सक्रिय भागीदारी ही ग्राम विकास और विकसित मध्य प्रदेश का आधार बनेगी। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, पंचायतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे जमीनी और सशक्त इकाई है। ग्राम स्वराज की अवधारणा को जमीन पर उतारने और गांवों के सुनिश्चित विकास में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से देश भर की पंचायतों में सबकी योजना सबका विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य है हर गांव हर पंचायत को विकास की मुख्य धारा में लाना। मध्य प्रदेश के हर गांव को इस अभियान के माध्यम से समग्र विकास के अवसर मिलने वाले हैं। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान के अंतर्गत हर पंचायत को जन भागीदारी के साथ अपनी ग्राम पंचायत विकास की योजना तैयार करना है, जो कि गाँवों में समावेशी विकास का एक मॉडल बनेगी। पंचायती राज मंत्रालय ने इस अभियान को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा है, जिससे हमारे गांवों का विकास वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। अभियान में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरा प्रदेश के सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि इस अभियान के लिए होने वाली ग्राम सभा में वे बढ़ चढ़ कर भाग ले। ग्राम विकास में आपकी सक्रिय भागीदारी विकसित मध्य प्रदेश का आधार बनेगी और यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में हमारी आहुति होगी। आइए सबकी योजना सबका विकास अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मंत्र को साकार करें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।